दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज सिंह श्रीनिवासी से। दोस्तों आज मैं स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही वाइटल होने वाला है। दोस्तों जो भाई 130 से 170 के रेंज में चाय खोजते हैं अपने मार्केट के लिए, उसकी आज मैं टी टेस्टिंग लेकर आया हूं। आप लोग देखिए ये आप लोग के लायक है कि नहीं, आप बाई कर सकते हैं कि नहीं। ये मैं इसमें आपको लीकर इन्फ्यूज़न और साथ में इसका अपीरियंस भी दिखाऊँगा दाने की, तो आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों इस वीडियो को। तो पहले जो चाय है वो बेरुबारी बीपी का है, तो इसका सबसे पहले हम लोग अपीयरेंस देख लेते हैं, दोनों दाने का जो लुक है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों दाना काफ़ी अच्छा और जैसे लग रहा है ब्लेंडेड बीपी और ओएफ का ब्लेंड है, बट ऐसा नहीं है, सिंगल ग्रेड में है ये। देखिए दोस्तों ब्लैकिश है और ज़रा सा हल्का सा ब्राउनिश शेड में है। तो ये बेरुबारी बीपी है, इन्फ्यूज़न सामने है। अब नेक्स्ट में जो आपका है ये पुष्पा बीपी है, पुष्पा बीपी 134 के रेट में है और बेरुबारी 161 का। ये पुष्पा बीपी दोस्तों ये ब्राउनिश में है, बहुत ही हल्का हल्का इसमें ब्लैकिश शेड में है, थोड़ा सा कालेपन में लग रहा है, बस ज़्यादातर ये ब्राउनिश है, भूरे रंग का है ये दाना इसका। उसके बाद नेक्स्ट में जो है कराबी बीपी है, कराबी बीपी दोस्तों ब्लैकिश में है, ब्लैकिश दाना है, बीपी ग्रेड है, ये 136 के रेट में है। उसके बाद आपका नेक्स्ट में जो आ रहा है वो है बिलाती बाड़ी का आपका BOPSM। ये बिलाती बाड़ी का BOPSM दोस्तों ऑलमोस्ट ब्राउनिश है और हल्का हल्का ब्लैकिश शेड में है, BOPSM ग्रेड है दोस्तों, ये आपका 132 के रेट में है। उसके बाद चंदना का BP1 है दोस्तों, ये देखिए इसका जो दाना है दोस्तों ये असम का है, ये पूरा ऐसा लग रहा है BPOF का पूरा ब्लेंड टाइप का, देखिए दोस्तों, और ब्लैकिश है, बहुत ही अच्छी इसकी कटिंग है, स्मेल भी अच्छा है दोस्तों, फ्रेश है, ये 168 का रेट है इसमें। फिर उसके बाद कराबी है, कराबी का दोस्तों सॉरी दाना निकला हुआ है, कराबी का बीपी ग्रेड है, ये 136 इसका रेट लिखा हुआ है। ये दोस्तों ब्लैकिश है ऑलमोस्ट, लेकिन जो हमने पहले देखा इसका कराबी का उसके मुकाबले कम ब्लैकिश है, तो ये है। उसके बाद अपना प्राणवी का BP1 है, ठीक है, इसमें फाइबर भी दिख रहा है, तो ये BP1 है दोस्तों। उसके बाद ये आपका लखीपुर का बीपी है 157 के रेट में, ब्लैकिश है, जी हाँ चाय बढ़िया है, खुशबू से थोड़ी इसमें कड़क टाइप की लग रही है खुशबू, कड़वी कड़वी। उसके बाद आपका ये है मारंगी बीपी, मारंगी बीपी का अपीयरेंस देखिए दोस्तों, फाइबरी बहुत ज़्यादा है, ये कटिंग असम कटिंग है, पूरी असम की चाय है, लीकर सामने है इसका। और लास्ट में अपना प्राणवी बीपी 140 के रेट में है इसका, देखिए दोस्तों ये भी हल्का फाइबरी है। ओके दोस्तों ये थी चाय, हमने अपीयरेंस सब की देख ली, अब हम लोग बारी बारी से लीकर की टेस्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों बेरुबारी बीपी का टेस्ट काफ़ी लाइट और अच्छा टेस्ट है, स्मूथ टेस्ट है। दोस्तों बेरुबारी बीपी में पुष्पा बीपी के मुकाबले अच्छा टेस्ट आ रहा है, पुष्पा बीपी जो है सिलीगुड़ी टाइप का जो कच्चे पत्ते का हल्का टेस्ट आता है वो टेस्ट मुझे मिल रहा है। उसके बाद आपका कराबी बीपी है, कराबी बीपी में कड़कपन अच्छा है दोस्तों, थोड़ा कसैलापन है इसमें। बिलाती बारी BOPSM, ये चाय थोड़ा सा ओल्डिस लग रही है, पुरानी पुरानी स्मेल में। ये चाय चंदना BP1 जो है दोस्तों कड़क है, अच्छी चाय है। उसके बाद कराबी बीपी, कराबी बीपी में स्वाद हालांकि नहीं मिल रहा है, बट कसैलापन जो चाय में अपना नेचुरल टेस्ट होता है वो मिल रहा है इसमें। उसके बाद प्राणवी BP1, इसमें दोस्तों फाइबरी टेस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो कुछ खास नहीं लग रहा है। उसके बाद आपका लखीपुर बीपी,
इसमें हल्का टेस्ट मिल रहा है और जरा सा कसैलापन इसमें है, कड़कपन। मारंगी बीपी में कसैलापन काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, हालांकि फाइबर इसमें ज़्यादा है बट फाइबर का उतना टेस्ट नहीं समझ में आ रहा है। लास्ट में प्राणवी बीपी, नॉर्मल टेस्ट है, लाइट टेस्ट है। अब मैं बारी बारी से इसमें दूध डालूंगा दोस्तों। तो दोस्तों लीकर में जो मुझे टेस्ट में बेहतर लगी वो दिखा देता हूँ आपको। बेरूबारी बीपी का टेस्ट सही था, कराबी बीपी भी कसैलापन अच्छा था इसमें, चनना बीपी अच्छा था, फिर आपका कराबी भी कसैलापन था, प्राणवी नहीं, फिर आपका ये लखीपुर भी चलेगा, फिर आपका मारंगी। अब दूध डाल लेते हैं हम लोग। ये दोस्तों इसमें 130 से 170 के रेंज में, इसके बीच में ये सारी चाय लगी हुई है। इसमें आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं अपने मार्केट के अकॉर्डिंग। इस चीज़ को मैं आगे भी जारी रखूँगा दोस्तों, और भी चाय लेकर आऊँगा टेस्टिंग में, लो रेंज में जितनी भी बेहतर चाय है उनकी भी टेस्टिंग करूँगा। अभी के लिए ये मैं दूध डाल लेता हूँ इसमें, लीकर देखता हूँ किसका बेहतर आ रहा है। लाइट लीकर है पुष्पा का, मारंगी का थिकनेस अच्छा है, मारंगी बीपी, और लखीपुर बीपी ये वाली थोड़ी सी पतली लग रही है, प्राणवी बीपी ये भी ठीक है, कराबी बीपी हल्का सा पतलापन, चंद्रा बीपी ये गाढ़ापन है, थोड़ा सा पतला पतला लग रहा है। अभी ये बिलाती बारी BOPSM, इसका कलर डल पड़ गया दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा पुराना हो गया चाय, तो पुरानी जो चाय हो जाती है देखिए कितना पतलापन और अजीब सा कलर हो जाता है दोस्तों। अभी देखिए कराबी बीपी और उसके बाद है आपका पुष्पा बीपी, इसका भी कलर डल हो गया है। ये फर्स्ट में थी आपका बेरूबारी बीपी, ब्राइट कलर है, सफ़ेद थोड़ा सा लग रहा है वाइटिश टाइप में। तो ये दोस्तों बेरूबारी बीपी है, दोस्तों स्वाद काफ़ी लाइट सा स्वाद है, अच्छा स्वाद आ रहा है। पुष्पा बीपी का स्वाद दोस्तों बढ़िया नहीं आ रहा, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा कच्चा पत्ता टेस्ट इसमें आ रहा है हल्का। कराबी में कसैलापन है, कराबी का देखिए गाढ़ा कलर आया है, डीप जैसे कि रेड और हल्का सा रेडिश टोन में आया है। ये बिलाती बारी BOPSM, ये दोस्तों पूरा डल पड़ गया चाय, टेस्ट नहीं आ रहा इसमें उतना। चंदना बीपी 1 अच्छी चाय है दोस्तों, इसमें कलर भी हर एक चाय जितनी भी लगी हुई यहाँ पे सबसे बेहतर कलर इसी में आ रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ। इसमें सबसे अच्छा कलर आया है चंदना बीपी 1 में, इसकी आसाम कटिंग है, आसाम चाय है, अच्छी चाय है दोस्तों। 168 इसका रेट है। ये भी कड़क है कराबी, अभी गया है प्राणवी बीपी। प्राणवी बीपी में दोस्तों टेस्ट नहीं आ रहा है, फाइबर फाइबर लग रहा है। लखीपुर बीपी ठीक है चलेगा। ये आपका मारंगी बीपी था, कसैलापन अच्छा है इसमें। लास्ट में प्राणवी बीपी एकदम पतला सा हो गया है, इन्फ्यूज़न मैंने आपको प्रेस करके नहीं दिखाया दोस्तों, दिखा देता हूँ। तो ये सारी इन्फ्यूज़न देखिए, पूरा दाना इप्रेश हो ही नहीं रहा है, पूरा अपना रस इसका जो जूस है वो छोड़ नहीं रहा है। ये चंदना बीपी देखिए BP1, ये पूरा दब गया है और ब्राइट इन्फ्यूज़न है। तो ये 168 में पैसा वसूल चाहे है, BP1 है। उसके बाद ये आपका कराबी बीपी, ये भी ठीक है। ये आपका प्राणवी बीपी, इसमें फाइबरी टेस्ट आ रहा था। ये लखीपुर बीपी और ये मारंगी बीपी, ये भी प्रेस हो रहा है अच्छा। लास्ट में आपका प्राणवी बीपी। तो दोस्तों देख लीजिए, ब्राइटर इन्फ्यूज़न में सबसे अच्छा चंदना BP1 आ रहा है, बाकी सब तो डल पड़ गया है, कोई ख़ास इन्फ्यूज़न नहीं है। बिलाती बारी का सही है, सॉरी बेरूबारी का सही है, और मारंगी का भी ठीक आ रहा है लीकर में।
168 के रेट में दोस्तों सबसे बेस्ट चंदना बी पी वन रहेगी। तो दोस्तों ये सब सारी चाय थी, इनमें मैंने आपको दिखा दिया है कौन कौन सी सही थी, कौन कौन सी बेहतर है, और सबसे टॉप में नंबर वन में ये चंदना बी पी वन है 168 के रेट में, जैसे देख पा रहे हैं। बाकी और ओवरऑल ये बेरुबारी बी पी भी लाइट टेस्ट में ठीक है, आपका लखीपुर बी पी भी सही है, और कराबी का ये वाला बी पी 136 के रेट में ये भी ठीक है। तो जो भाई बी पी वगैरह में काम करते हैं वो इन सब चाय के लिए जा सकते हैं, अपने मार्केट के लिए ये सब चाय उतार सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।